नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनवार एजुटेक में। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सेकाउट यूनिवर्सिटी के एग्जाम एडमिट कार्ड 2021 के जारी हो चुके हैं, यानी कि जो यूजी सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड है वो आपके आ चुके हैं। तो देखते हैं किन किन ईयर के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उनका भी बहुत जल्द ही एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। तो डाउनलोड कैसे करना है एडमिट कार्ड, ये आपको स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखते रहिए लगातार। जी फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा। यहाँ पे टाइप करना होगा आपको सेकआउट यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सेकआउट यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे उसके बाद में आपको सामने दिखाई देगा आपका वेबसाइट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगी आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन होगा जिससे हम मेन साइट पे जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी स्टूडेंट पैनल। जैसे ही आप स्टूडेंट पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट स्टेप होगी आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ से आपको यूजी सेलेक्ट करना होगा, यानी कि यूजी जो सेकेंड ईयर के एग्जाम है उन्हीं के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। तो यहाँ पे यूजी के अंदर जो बीए का अभी ये जारी नहीं किया गया है, और कॉमर्स में देखते हैं कॉमर्स का जारी हो चुका है, यानी कि बी कॉम का जारी हो चुका है, और साइंस साइंस का भी जारी नहीं हुआ, यानी कि इनका भी थोड़ी देर में जारी हो जाएगा, नहीं तो कल जारी हो जाएगा साइंस और आर्ट्स का। तो यहाँ से बी कॉम का एक एडमिट कार्ड निकाल लेते हैं हम, उसके बाद में प्रिंट एडमिट कार्ड करेंगे। उसके बाद में यदि आपके पास चालान नंबर है या फोरन नंबर है तो यहाँ से निकालें। यदि आपके पास मेन रो नंबर है तो रो नंबर से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके नेम, पिता का नाम, माता के नाम से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट का बता रहा हूँ यहाँ पे, किसी का भी। उसके बाद में प्रोसेस करेंगे, बीए का भी कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल बीकॉम और बीए का, यानी बीएससी का और बीए का कल एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एडमिट कार्ड मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर, रेगुलर स्टूडेंट है और इनके एग्ज़ाम है, देख सकते हैं यहाँ से 17 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है बीकॉम वालों की, और 17, 20, 22 टाइम रहेगा, साढ़े यानी कि 7 बजे से 8:30 बजे और 8:30 से 10 बजे, यानी कि एक दिन में दो पेपर होने वाले सेकेंड ईयर के लिए। और यहाँ से जो परीक्षा पैटर्न है ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षार्थियों के नवीन दिशा निर्देश जारी है। प्रश्न पत्रों में प्रत्येक सेक्शन और खंड से प्रश्न हल करने की बाध्यता समाप्त की जाती है। किसी प्रश्न में विकल्प दिए हैं उनमें भिन्न प्रश्न मानते हुए भी हल करना आपको, और उसके साथ साथ आपको सैनिटाइज मास्क ये आपको ले जाना होगा, 1 घंटे पहले आपको पहुँचना होगा। और पेपर पैटर्न यानी कि आपको, जैसे आपके पेपर टोटल 100 नंबर का पेपर होगा तो आपको 50 नंबर ही करने हैं पेपर के, 100 में से 50 नंबर के पूर्णांक ही हल करने, आधे करने हैं, मतलब कहने का मतलब आधे क्वेश्चन नहीं करने, आधे पूर्णांक करने, यानी कि 50% पूर्णांक के आधार पर आपको पेपर करना होगा। किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को 50 नंबर के होने चाहिए। 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर का होना चाहिए, 200 नंबर का है तो 100 नंबर का, 100 नंबर का है तो 50 नंबर का। तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बीए का भी जारी हो जाएगा तो बीए का भी ऐसे ही कर सकते हैं, बीएससी का भी ऐसे ही करेंगे, और बीकॉम का तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बीए बीएससी का जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो आपको टेलीग्राम पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और हो सके तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू।